अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज हम हिंदी में अपना चौथा इकाई सोच अपनी अपनी का वीडियो देखेंगे। इकाई चार, सोच अपनी अपनी। चलो आगे देखिए। यहाँ पे हमें एक गांव का दृश्य दिख रहा है, आप देख सकते हो चित्र में। चित्र को ध्यान से देखिए, पहाड़ है, उसके पीछे से सूरज निकल रहा है, गांव में छोटे छोटे घर है, देख रहे हैं आप लोग। अब आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। गांव में से एक रास्ता गांव से बाहर की ओर निकल रहा है। देखो, गांव में पांच घर और एक मंदिर दिखता है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, और घर के पीछे मंदिर है। यहाँ पे एक चरवाहा दिख रहा है, उसके पास दो गाय है, उसके हाथ में लकड़ी है, गाय घास खा रही है और चरवाहा वहाँ पे खड़ा है। यहाँ एक खेडूत गांव में से निकलकर अपने खेत की ओर जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता भी है, उसके हाथ में लकड़ी दिख रही है, वो गांव से निकलकर अपने खेत की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक बगीचा है और बगीचे में आप जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बगीचे में रंग बिरंगी फूल है, तितलियाँ उड़ रही है, बच्चे फूलों को देख रहे हैं और एक लड़की तितली के पीछे भाग रही है, आप देख सकते हो। ये गांव का दृश्य बहुत ही सुंदर है, सभी चीज़ें आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है, देखा सबने ध्यान से। तो चलो अब हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। एक छोटा सा गांव था, आपको चित्र में दिख रहा है, गांव का चित्र है। वहाँ पे एक व्यापारी गांव से निकलकर दूसरे गांव में टोपियाँ बेचने जा रहा था, आप देख सकते हो व्यापारी को। अब उसको चलते चलते थकान लगी, यानी कि वो व्यापारी थक गया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ ही देर यहाँ पे आराम कर लूँ, ये पेड़ भी अच्छे दिख रहे हैं, पेड़ की छाँव में थोड़ी देर शांति से सो जाऊँ। ये सोचकर व्यापारी अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे थोड़ी देर आंख बंद करके सो गया। अब क्या हुआ, देखो पेड़ के ऊपर तो बंदर बैठे हुए हैं। बंदरों ने देखा कि नीचे व्यापारी सो गया है और व्यापारी के पास एक टोकरी है और उसमें रंग बिरंगी टोपियाँ रखी हुई है। अब बंदर धीमे एक एक करके नीचे उतरे और उन्होंने वो रंग बिरंगी टोपियाँ एक एक करके ले ली। अब थोड़ी देर बाद व्यापारी की आँख खुली तो उसने देखा कि मेरी टोकरी में तो एक भी टोपी नहीं है, तो मेरी सब टोपियाँ कहाँ गई। फिर उसने खड़े होकर ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो सभी बंदर टोपियाँ पहन के बैठे हुए थे। अब सोचने लगा, मैं क्या करूँ कि ये बंदर मुझे टोपियाँ देंगे। उसके दिमाग में एक युक्ति आई, तो उसने क्या किया, जो खुद टोपी पहने हुआ था वो टोपी उसने नीचे फेंक दी, तो बंदरों ने भी उसका अनुकरण किया, बंदरों ने भी टोपी नीचे एक एक करके फेंक दी। तभी व्यापारी ने एक एक करके सब टोपियाँ उठाकर अपनी टोकरी में डाली
और व्यापारी फिर अपने गांव की ओर चल दिया। समझ में आया बच्चों? कहानी देखी सबने?